तो पिछले वाला सब एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड है आज, ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने किया था वो एक बार सब देख लो, ठीक है। कुछ नहीं था, हमने बस उनको क्या साइक्लाइज कर दिया था, ठीक है। हमने फिफ्थ कार्बन से OH को अटैक करवा दिया था इस कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। वहां से हमारे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बने थे, क्यों? क्योंकि जब हम SP2 को SP3 में इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये कायरल कार्बन हो जाएगा। तो एक बार OH राइट में आ सकता है, एक बार लेफ्ट में। राइट में आएगा तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, लेफ्ट में आएगा तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है बेटा। तुम्हें ये मैकेनिज्म याद नहीं रखना, कभी तुम्हें सोच रहे हो ये करके देखना है, बस तुम्हें अल्फा और बीटा फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं करना, ठीक है। ये नहीं है मैकेनिज्म, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, ठीक है। मैकेनिज्म तो तुम्हें बस समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है मैकेनिज्म की, बस तुम्हें ये फॉर्म्स के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। तो हेडिंग डालो आवर्त प्रोजेक्शन। बेटा बिल्कुल साथ साथ बनाना अगर तुम सीखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। जब तुम साथ साथ बनाओगे तो ही सीख पाओगे, अगर बस तुम देखोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, हावर्थ प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है, जैसे तुम उसमें पढ़ते हो ना बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर तो अभी नहीं डल पाएगा, क्योंकि उनके साथ जो टीचर्स करते हैं एडिट, वो उनकी तो आज छुट्टी है, ठीक है। वो तो मैं, हमारी बस क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास मान लो कुछ भी, ठीक है। अभी बता दूंगा, अभी सब बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें हावर्थ प्रोजेक्शन जो होती है, जैसे हम फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी डिफरेंट तरीके हैं बस बनाने का। है साइक्लिक फॉर्म ही, बस उसको देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। एक प्रोजेक्शन है जिसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। पहले तो तुम, ठीक है, मैं बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, याद रख, याद हो चुका है ना, 1 2 3 4 5, और ये मेरा 6, ठीक है। सबको याद हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सब याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या होता है, OH यहाँ, OH यहाँ, बस थर्ड पे मेरा OH लेफ्ट पे होता है, बाकी हर जगह राइट, ठीक है। इतना सबको याद हो चुका है, बोलो हाँ या ना, इतना सबको याद हो चुका है, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बार बार बनाएंगे, याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं, एक बार इमेजिन करना है बस, ठीक है। अगर इसको मैं लिटा दूं, ध्यान से सुनना, तो अगर मैंने इसको अगर लिटा दिया, तो तुम खुद बताओ, अगर मैं इसको लिटाता हूँ, ये OH नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, बोलो हाँ या ना, इतनी बात बता दो, यही होगा नहीं होगा, बोलो, ठीक है। तो हम इसको एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, उसको बस ऐसे बना देना, ठीक है, बस इतना, मतलब मैं तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी इन द एंड तो तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिटा देता हूँ, ठीक है, लिटा दू, अगर मेरा CHO यहाँ है, उससे अगले वाले पे OH मेरा कहाँ आएगा, नीचे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बस हमने उसको इस फॉर्म में दे दिए, ठीक है, बस कुछ भी नहीं किया, लिटा दो। अगर अगर हमने इसको ऐसे लिटा दिया, तो OH मेरा नीचे चला जाएगा, अगले वाले पे मेरा OH कहाँ आएगा, ऊपर, बोलो हाँ या ना, उससे अगले वाले पे मेरा कहाँ आएगा, ठीक है, उससे अगले वाले पे भी मेरा नीचे आएगा, ठीक है, और उससे अगले वाले पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पर भी मेरा नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। बस कुछ भी नहीं, हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है बस, बोलो इतनी बात क्लियर है। हाँ बेटा बिल्कुल साथ साथ लिखना तो ही सीख पाओगे, ठीक है। जहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा वो अच्छा है, ठीक है, कल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अच्छा है वो, जहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब एक बात सोचो, ठीक है, अगर अब मैं इधर, ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मुझे अगर क्या करना है, मुझे इस OH को इस पर अटैक करवाना है, बनाना तो साइक्लिक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। अगर मुझे इसको यहाँ पर अटैक करवाना है, तो मुझे इसको पहले यहाँ पर लाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इतना बताओ। अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं यहाँ पर अटैक कराऊंगा, तो हम ज्यादा अच्छे से उसको इमेजिन कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। इन द एंड तो तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना है, बस बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करता हूँ, तो मेरी कंफर्मेशन तो नहीं बदलती, बोलो, सॉरी, अगर मैं एक बॉन्ड के अराउंड रोटेट करता हूँ, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बाकी तो एज इट इज बना लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन द एंड तो तुम्हें बस स्ट्रक्चर याद रखना, लेकिन अगर बनाना सीख लोगे तो अच्छे से समझ आता, ठीक
ठीक है, तो अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या CH2H ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और H नीचे चला जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और बाकी एज इट इज बना दो। बोलो इतनी बात क्लियर है? कुछ भी नहीं किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर दिया, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा क्या हो जाएगा, एच यहाँ, ओ एच यहाँ, CH2OH यहाँ, ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर अटैक करवाता हूँ, ठीक है, तो ये बॉन्ड ओपनिंग होगी। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से मेरे दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो मैं अच्छे से बताए। अब यहाँ पर मेरा कायरल कार्बन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो मेरा OH एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है, एक बार नीचे की तरफ जा सकता है, इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना? सबसे पहले तो OH को यहाँ पर अटैक करवा दो, ठीक है, एंड में बस तुम्हें याद रखना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरा एक ऐसा कुछ बनेगा ढांचा सा, ठीक है। तो ये अगर मैकेनिज्म में कुछ ऐसा दिक्कत भी लगे तो कोई टेंशन ना लेना, मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखा दूंगा स्ट्रक्चर याद रखने का, ठीक है। तो ऐसा बनेगा ढांचा, बोलो हाँ या ना? ऐसा बनेगा। अब देखो अगर ये मेरा जो OH है ये नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, और अगर मेरा एक OH ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसका मेरा नाम क्या हो जाता है, अल्फा वाला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। और इसका क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, ठीक है, समझ रहे हो? बाकी मैंने सारे को अपने आप फिल कर दो, बाकी तो सब सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये OH नीचे, ये CH2OH ऊपर, ठीक है, यहां पर भी वही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे, और ये ऐसे, समझ रहे हो? एच में इसलिए नहीं भर रहा, ठीक है, चलो भर ही देता हूँ, ठीक है, एंड में तो भर ही सकते हैं, ठीक है। अब समझ गए कैसे बना? कुछ भी नहीं है, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें हिंट तरीका बता देता हूँ, ठीक है, तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा याद रखना, अगर बीटा बीटा को ध्यान रखो, ठीक है, तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ याद कैसे रखना है। W बना दो, ठीक है, देखो W बन रहा है इधर, सारे OH में W, तो W वाले पोजीशंस पर मेरे OH लगा दो, वो मेरे क्या हो जाता है, बीटा वाला, ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? ठीक है, शॉर्टकट ये है बस कि बीटा लगा दो, सबको W बना दो, ठीक है, जो W पर आएंगे वो मेरे OH होंगे। बोलो समझ गए? बोलो बोलो समझ गए, ठीक है। और एक और चीज ऑब्जर्व कर लो, इसमें ये दोनों सिस पोजीशन पे है और इसमें ये दोनों मेरे ट्रांस पे, याद करने के लिए, ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना, दोनों सिस में बीटा में होते हैं और ट्रांस पे मेरे OH और CH2 होते हैं अल्फा में, ठीक है। बनाने का तरीका तो ये सबसे बेस्ट है कि हम W बना दें, लेकिन ये ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिस और ट्रांस से भी याद रख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो समझ रहे हो? जल्दी बोलो, बढ़िया, आगे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू होती है ना, 112 डिग्री होती है, ठीक है, +112, ठीक है, इसकी कितनी होती है, +19, ठीक है। अभी इसके आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हम पढ़ते हैं ना, प्लेन पोलराइज लाइट को ये +112 से रोटेट करता है, +19 से, ठीक है, समझ रहे हो? बोलो बोलो समझ रहे हो? अब तुम इसको साइक्लिक फॉर्म में बना सकते हो, वो चेयर फॉर्म में, बेटा कल ही कर दिए थे साहिल, लास्ट लेक्चर के नोट्स मैंने तो उसी दिन साथ साथ कर दिए थे, ठीक है। तो अब इसको देखो, अगर मैं चेयर फॉर्म बनाना चाहूँ इसकी, ठीक है, तो चेयर फॉर्म बनाते हैं इसकी, चेयर फॉर्म तो और आसान है याद रखनी, ठीक है, इसकी भी ऐसे चेयर फॉर्म बनाओ, इसकी भी ऐसे चेयर फॉर्म बनाओ, ठीक है। अभी याद करने में तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा, जैसे अभी यहाँ पे शॉर्टकट किया, इसमें और अच्छा शॉर्टकट है, ठीक है। बेटा नोट्स नहीं मिलेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें खुद बनाने हैं। बेटा ये +19 है, ये 112 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये OH मेरा कहाँ पर है, नीचे की तरफ, तो ये नीचे बना दो, ठीक है। अगले वाला, ठीक है, ये भी मेरा नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ बना दो, उससे अगला मेरा ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ बना दो, ठीक है, उससे अगला मेरा नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ बना दो, उससे अगले में मेरा CH2OH ऊपर है, ये मेरा CH2OH बना दो। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो, बाकी तो एच ही है, वो तुम्हें अंडरस्टूड है, तो मैं एच नहीं बना रहा। बोलो क्लियर है इतना?
बेटा वो मैकेनिज्म पे इतना डिटेल में मत जाओ, तुम्हें स्ट्रक्चर इंदर नीचे जरूरी है, ठीक है? इतना समझ के कैसे बनाया, बस इसी को देख के ही बनाया, जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है? इक्विटोरियल एक्सियल तुम्हें आता ही होगा इतना तो। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो। इससे अगले में क्या होगा, इसमें होगा एच मेरा ऊपर की तरफ, ठीक है? बाकी तो लगभग सेम ही है, ठीक है? ये नीचे, ठीक है? अगले में ये होगा एच ऊपर, ठीक है? अगले में ये होगा एच नीचे, और इससे यहां पर मेरा ऊपर CH2। बोलो, समझ गए? बोलो हाँ या ना। बना लिया सबने साथ साथ, बना लिया। इसकी ये कौन सा मेरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अभी और ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने की, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, अब एक ट्रिक पर चलते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है? इसमें तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये सारे के सारे एक दूसरे के ट्रांस पे है, ठीक है? सारे के सारे एक दूसरे के ट्रांस पे है। तुम यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी। तो बनाना कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले ऊपर से बनाना स्टार्ट करो, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है? तो यहां पर भी यही चीज है, ये मेरा ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। समझ रहे हो कैसे याद करना है? याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। बोलो। तो लिख लो सारे OH वाले ट्रांस पे, शॉर्टकट ये बस, ठीक है? स्टार्ट कहां से करोगे, ऊपर से, ठीक है? O के साथ वाले कार्बन पे ऊपर से। और उससे भी बेहतरीन तरीका क्या हमारा, ठीक है? और बेहतरीन तरीका, शॉर्टकट ध्यान से सुनो, एक चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, सारे OH, ठीक है? सारे OH मेरे इक्विटोरियल पोजीशन पे, देख रहे हो बीटा में? एक चीज देख पा रहे हो, इक्विटोरियल 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 इक्विटोरियल, समझ पा रहे हो? बोलो। तो बीटा पर ही सारे लगभग शॉर्टकट बन रहे हैं, तो बीटा बना लोगे तो अल्फा पे तो बस यहां पर पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है? इसके अंदर क्या है, पहले को छोड़ दो, बाकी सब बिल्कुल सेम ही है, ठीक है? इसलिए हमेशा क्या करेंगे, हाँ बेटा भी पता चल जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ध्यान रखो, बीटा का शॉर्टकट याद रखो, अल्फा में तो कुछ भी नहीं, बस इस पोजिशन को चेंज कर देना। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना। बोलो सब समझ गए, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, जब ध्यान से सुनना, जब जैसे अब ये मेरा अल्फा है, ठीक है? ये अल्फा है, ये बीटा है। जब जो हैमी एसिटल वाला कार्बन है, ठीक है? हैमी एसिटल वाला कार्बन, ठीक है? हैमी एसिटल वाला जो कार्बन है, उसमें उसमें अगर मेरी कायरल कार्बन में कॉन्फिग्रेशन अलग हो, ठीक है? उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। बोलो समझ रहे हो? जैसे ये मेरा हैमी एसिटल वाला कार्बन है ना, मतलब कि जहां पर मेरा हैमी एसिटल बन रहा है, उनको जहां पर अगर मेरे जो कॉन्फिग्रे मतलब कॉन्फिग्रेशन अलग आ रही हो, मतलब यहां पर OH नीचे है, यहां पर ऊपर है, तो कॉन्फिग्रेशन बदल जाएगी, तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और दोनों मेरे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, एनोमर्स। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? तो मेरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस दोनों कैसे हो गए, एनोमर्स। बोलो समझ गए? ठीक है बेटा, ये वाला, ये वाला मैंने कल भी बताया था, ये देखो ये वाला कार्बन जहां पर मेरा OH और OR स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है? मतलब जहां पर इनडायरेक्टली मेरी रिएक्शन हुई है, रिएक्शन मेरी इसी कार्बन पे हुई है ना, ये वाले पे, ठीक है? तो ये वाला ही कार्बन है, ठीक है? ये वाला कार्बन, ठीक है? समझ रहे हो? तो O के साथ वाला जो कार्बन होता है, ठीक है? तो लिख लो, उससे पहले एक और चीज लिखवा देता हूँ, एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? हाँ बेटा, भी रिपीट करता हूँ, पहले एपिमर्स समझ लो, ठीक है? एनोमर्स और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? एपिमर्स का भी मैंने एग्जाम्पल दिए नहीं है, वो आगे दूंगा जब मैं तुम्हें मैनोज वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? एपिमर्स में क्या होगा, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ एन कायरल कार्बन्स, आउट ऑफ एन कायरल कार्बन्स, मतलब मेरे एन कायरल कार्बन्स है, तुम्हें पता है, ठीक है? जैसे ग्लूकोज में, ठीक है, इफ कॉन्फिग्रेशन ऑफ वन कायरल कार्बन इज डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमर्स, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमर्स, ध्यान से सुनना, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं, एपिमर्स, ठीक है? यही अगर मैं एनोमर्स की डेफिनेशन बोलूं, एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स कुछ नहीं है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर ही है, अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर, ठीक है? अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर कैसे है वो, ठीक है? इसमें मेरा क्या होता है, इसमें मेरा होता है, इट डिफर्स इन कॉन्फिग्रेशन
एट द एसिटल, एट द एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन, मतलब कि यहां पर हेमी एसिटल या एसिटल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा जहां पर एल्डिहाइड या ग्रुप था, ठीक है, कार्बन विच वॉज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक अर्लियर, ठीक है, कार्बन विच वॉज एल्डिहाइड या एल्डिहाइडिक और कीटोनिक अर्लियर, मतलब जो मेरा पहले एल्डिहाइड या कीटोन था वो मेरा हेमी एसिटल बन गया ना, तो वो वाले कार्बन की बात करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक आर हो गया एक एस हो गया, ऑब्वियस ही बात है। देखो यहां पर जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे कुछ हो रहेगी, इस कार्बन पे निकालोगे तो हो रहेगी, तो ये मेरा हेमी एसिटल कार्बन है, ठीक है, तो ये मेरा स्पेशल टाइप ऑफ एनिमर एपिमर हो गया, तो इनको हम एनोमर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हेमी एसिटल यहां पर ही बन रहा है ना, और यही वाला कार्बन मेरा पहले एल्डिहाइड था, ठीक है, यही मेरा हेमी एसिटल में कन्वर्ट हुआ। तो इस कार्बन के अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इसमें हुआ ऊपर है इसमें नीचे आ गया, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, इनको हम एनोमर्स बोलेंगे, ठीक है। एनोमर्स का एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल एनोमर का लिख लो, क्या होगा एग्जांपल, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, या ग्लूकोपाइरानोज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, ग्लूकोपाइरानोज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। एपिमर्स का एक एग्जांपल लिख लो, एपिमर्स का भी एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एपिमर्स अभी मैं तुम्हें डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है, जब मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है, फिर भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। ग्लूकोज डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो एक बार फटाफट, फटाफट मेरे साथ साथ बना देना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरा क्या सी एच ओ थर्ड पोजिशन पे लेफ्ट पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा मेरा ओ एच ओ एच ओ एच और ये मेरा ओ एच, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या है बताओ, डी ग्लूकोज, ठीक है, ये मेरा क्या है डी ग्लूकोज। अब अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, मान लो मैं यहाँ कार्बन इस नंबर फोर वाले की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ, मतलब OH को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, OH को मैं इधर ले आया, मतलब ये मेरा OH बस चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब मेरा सेम है, बस फोर्थ पे पोजिशन में फर्क आया, ठीक है, ये मेरा OH पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अब मेरा यहाँ पर ये मेरा OH यहीं पर रहेगा, ठीक है, और ये मेरा यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यही बनेगा, बोलो हाँ या ना, यही बनेगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका सी फोर एपिमर, मतलब कि मैंने फोर्थ पोजिशन पर चेंज किया, तो ये मेरे क्या बन गए, सी फोर एपिमर, बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, समझ गए, बोलो बोलो समझ रहे हो, ठीक है, मतलब कि यहां पर हमने पोजीशन में चेंज कर दिया, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, हाँ, गैलेक्टोस है, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, ठीक है, ये मेरा डी गैलेक्टोस होते हैं। लास्ट पेज देखो, ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, एग्जांपल तो उसकी है, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस। हाँ बेटा, एल वाले भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम एल की जनरली बात नहीं करते, बात एक ही है, ठीक है, पढ़ते उनको भी ऐसे ही है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है बेटा। अभी मैं पूरा डिटेल में जब इसका चार्ट बनवाऊंगा ना, बहुत सारे होते हैं गैलेक्टोस, गुलोस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ये, उनके बारे में डिटेल्स में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके स्ट्रक्चर याद रखने होते हैं, ठीक है, इनके मैं डिटेल में, बहुत सारे एपिमर्स होते हैं अलग अलग पोजीशंस के, वो मैं सारे कराता हूँ, अभी बस मैंने के एक एग्जांपल दिए, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अगली एडिंग डाल लो, अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है, अगली एडिंग डालो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज तुम्हें पता है इसका नाम एक और होता है फ्रूट शुगर, इसका एक और नाम क्या होता है, फ्रूट शुगर, ठीक है, ये मेरा जनरली किस में पाया जाता है, मेनली प्रेजेंट इन
स्वीट्स फ्रूट्स हनी। बेटा बस इतना ध्यान रख लो अभी, जब आगे हम हर एक का स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो समझ जाओगे, बस इतना ध्यान रखो, ये दोनों मेरे एनोमर्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखो अभी, अभी उस पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तुम्हें जब सबके स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे, गैलेक्टोस हो गया, गुलोस हो गया, इन सबके, ठीक है, उन सबके स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे तो तुम अपने आप बताने लगोगे। अभी मैं तुम सब सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि अभी तुम्हें उनके स्ट्रक्चर नहीं पता, तो बस इतना ध्यान रखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मेरे दोनों एनिमल्स होते हैं, इतना ही ध्यान रखना है बस, उससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। इतनी क्या टेंशन ले रहे हो, तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये मेरा हेमी एसिटल यहाँ पर फॉर्म हुआ इस कार्बन पे, या इनडायरेक्टली पहले इसी कार्बन पे मेरा CHO था, तो जिस पोजिशन पे मेरा CHO था, LDH था पहले, जिस पोजिशन पे मेरा पहले LDH था, उस पोजिशन पर अगर मेरा दो अलग अलग कॉन्फिगरेशन मिल रही है तो वो मेरे क्या हो गया, एपिमर्स हो गए बस, वो एनोमर्स सॉरी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल याद रखोगे पेपर में वैसे भी वही आएगा, ठीक है। फ्रक्टोज की बात करते हैं, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है तुम्हें पता है, ठीक है, प्रिपरेशन मैंने कल तुम्हें करवा दी थी, ठीक है, इसकी दोबारा लिख लेते हैं, C6H12C12H12 22O11 को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा इन द एसिडिक मीडियम विद हीट तो मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही होते हैं। आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा इनको सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, बिल्कुल वैसे इसका भी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज का होता है, ठीक है, तो ज्यादा ये मेरा इसका जो स्ट्रक्चर एलुसिडेशन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, तो हमें इतने बारे इसके बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। इसका हम जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मेरा कीटोन होता है, ठीक है, इसी वजह से इसका बस दोनों का फॉर्मूला सेम बन जाता है, इसका भी अगर तुम निकालोगे C6H12O6 ही आएगा, ठीक है। तो अब तुम मुझे बता दो, फटाफट बता दो, अगर मैं इसमें रेड फॉस्फोरस डालूंगा प्लस HI तो क्या मिलेगा, जल्दी बोल तो क्या मिलेगा, अब जल्दी जल्दी कर सकते हो तुम कल कर चुके हो, ये क्या मिलेगा, 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 यही मिलेगा, ठीक है, NHN मिलता है, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया इसमें भी 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट करूं, ठीक है, HOBr बोल लो या ये बोल लो एक ही बात, ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन देगा, बोलो फटाफट बोलो क्या रिएक्शन मिलेगा, आंसर है कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कीटोन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर XHIO4 डाल दूं, जहां पर X की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, तो मुझे बता दो क्या क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बॉन्ड्स को तोड़ देना सारे, ठीक है। तो सबसे पहले CH2OH, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, HCHO, बोलो हाँ या ना, ये मिलेगा, प्लस इसका जब तोड़ूंगा मैं, यहाँ CO2 मिलेगा, ठीक है, इनको करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इनको करने पे बोलो CHOH, ऊपर लगेगा, OH नीचे लगेगा, तो यहाँ पर मुझे HCOH मिल जाएगा, ठीक है, कितने मिल जाएंगे, 3, ठीक है। और लास्ट में मुझे इसका करूंगा अगर CH2OH का, तो यहाँ OH लगेगा, तो HCHO मिल जाएगा, बोलो इतनी बार समझ लो कैसे बन रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, हर बॉन्ड को तोड़ के OH लगाना है, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ये सबको पता है, बताऊं कैसे आया, अगर नहीं पता तो बता दो, एक बार बता दूंगा, अगर सबको आता है तो कोई हम आगे बढ़ते हैं, पता है ना सबको, क्योंकि भाई तुम, ठीक है, आते है, कुछ भी नहीं करना होता बेटा, देखो इस कार्ब इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक OH इस पे लगेगा और एक OH इस पे लगेगा, फिर नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ोगे फिर इसका OH ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस पे OH लगेगा, ठीक है। अब देखो एक OH, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलेगा तो क्या बन गया, ये CHCHO, इस पे तुम्हें पता कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, H2O निकाल दो, ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, CO2, इसमें यही चीज होगी, ठीक है, जब नीचे वाला टूटेगा ये बनेगा, इसमें से H2O निकाल लोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, HCOOH, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते तो बस वाटर निकाल दो उसके बाद, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन आ रही है जो अलग है थोड़ी सी, HIO4 है, HIO4 एक्स अमाउंट ऑफ HIO4 जो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अगला मेरा क्या है, NaBH4,
ठीक है, एन ए बी एच फोर है मेरा। अब तुम मुझे बताओ, एन ए बी एच फोर के साथ अगर मैं रिड्यूस करवाऊंगा तो तुम बता सकते हो यहाँ पर कायरेलिटी इंड्यूस होगी या नहीं होगी? इतना तो तुम्हें आइडिया है, बोलो हाँ या ना। एन ए बी एच फोर क्या देगा? एच देगा। अगर एच देगा ठीक है, तो ये जो मेरा एल्डिहाइड है, एक ओ एच एच या एच ओ एच दोनों तरफ बन सकता है, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल में ये हो सकता है ना, एक बार एच इधर आ जाए एक बार एच इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सी एच टू ओ एच टू एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा कार्बन पे ओ एच एच, बाकी सारा एज इट इज। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा जो कार्बन है इसका ओ एच इधर आ जाए और ऐसे, और बाकी एज इट इज, बोलो हाँ या ना। ये हो सकता है। हाँ बेटा, कीटोन का रिडक्शन कराएगा ना ये मेरा कीटोन को रिड्यूस करेगा, तो मेरा इस पोजीशन पर ऐसा बन सकता है, देखो एक बार ओ एच उधर गया एक बार ओ एच उधर गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूसीटोल। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लूसीटोल, या हम इसको सोर्बिटोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम सोर्बिटोल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? मैनीटोल। इसका नाम क्या होता है? मैनीटोल। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब रिडक्शन करने से मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन बनेगा और कायरल कार्बन पे हमें दो कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है। तो एक जो जब मेरा राइट में होगा तो उसका नाम ये है, लेफ्ट में होगा तो ये है। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना। बोलो समझ गए? ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ूं? लिख लिया, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया था। तो सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका साइक्लिक से पहले नॉर्मल वाला भी बता देते हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, पहले हम इसका नॉर्मल वाला भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक से पहले लीनियर वाला लिख लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक अभी काट दो, पहले लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इतना तुम्हें दिखेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, बाकी के अब तीन कार्बन पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता करनी है क्या है। ठीक है, इतना तो अभी तुम्हें उससे ही जनरल वाले से ही आइडिया हो चुका था। ठीक है, एक मेरा डी बनेगा और एक मेरा एल बनेगा। ठीक है, इतना तो ढांचा तुम्हें तैयार पता ही है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज में यहाँ क्या होता था जल्दी बोलो, ग्लूकोज में यहाँ क्या होता था? डी की अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज में क्या होता था जब मैं डी की बात करूं? ओ एच, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? ओ एच, यहाँ पे मेरा ओ एच होता था। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ग्लूकोज में वो एल वाले में क्या होता था? यहाँ ओ एच आ जाता था। ठीक है, ये मेरा ओ एच एज इट इज, ये मेरा एज इट इज। ठीक है, ये मेरा एच है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा राइट साइड पे है, ये मेरा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाले का नाम क्या होता है मेरा? डी फ्रक्टोस। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एल फ्रक्टोस। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, ये मेरा डी फ्रक्टोस, ये मेरा एल फ्रक्टोस। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें ना, कई बार तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा डी माइनस फ्रक्टोस, मतलब कि ये माइनस में उसको रोटेट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जब हम डी को हमेशा प्लस से सोचते हैं ना, तो देखो इसको हम ऐसे भी कई बार जगह पे मिल सकता है तुम्हें, एल माइनस फ्रक्टोस। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ये माइनस मेरा डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी वाला है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली मिलता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ठीक है, अब मेरे साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तुम, सबसे पहले डी फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाया करो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पहले तो इतना ढांचा बना लो, उसके बाद ओ एच ओ एच ओ एच। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? डी फ्रक्टोस। बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या हो गया? डी फ्रक्टोस। ठीक है, अब तुम बताओ, अगर मैं इस ओ वाले को, ठीक है, इस ओ वाले को यहाँ पर अटैक करा देता हूँ तो दो कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बोलो ठीक है, नंबरिंग जरूर दिया करो साथ साथ। ठीक है, मिल सकती है, बोलो बोलो। ठीक है, तो
अब यहां पर मेरे दो चीजें मिल सकती है, ठीक है, तो यहाँ दो बन सकते हैं, तुम बना दो, मेरे से पहले बना सकते हो, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, ये मेरा जस्ट टू वाला कार्बन है, ठीक है, ये मेरा टू वाला कार्बन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये मेरा लेफ्ट में चला जाए OH, ठीक है, जब ये OH बनेगा ये यहाँ जाएगा, और दूसरा ये मेरा CH2OH यहाँ बनेगा, बोलो समझ रहे हो। अब मेरा ये फाइव पोजीशन वाले जो OH है वो मेरा अटैक कहाँ करेगा, सी डबल बॉन्ड O पे, बोलो। तो ये मेरा जो टू वाला कार्बन है यहाँ OH बनेगा, ठीक है। हो सकता है ये OH मेरा लेफ्ट में चला जाए, हो सकता है ये मेरा OH यहाँ चला जाए, बोलो ये हो सकता है, ठीक है। और ये वाला CH2OH यहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बोलो यहाँ तक क्लियर है, ये मेरा टू कार्बन पे क्या हो रहा है, बोलो यही होगा, बोलो ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, उसके बाद तो तुम्हारा काम हो ही चुका है। ये मेरा क्या हो गया, सी। सबसे बड़ी बात ये पता है क्या है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ ये तुम्हें याद करना है ही नहीं, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें जो फाइनल स्ट्रक्चर बताऊंगा वो याद रखना है, लेकिन वो समझने के लिए अगर तुम ऐसे सीख लेते हो तो तुम्हें बनाना खुद भी बना सकते हो एग्जाम में, इसलिए बनाना सिखा देता हूँ। बाकी कोई टेंशन ना लेना कि ये मैकेनिज्म याद रखना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर तो डल ही चुका है, फर्स्ट तो डल ही चुका बेटा, एक बार चैनल पर चेक करना या मैं आज लिंक डाल दूंगा, फर्स्ट तो डल ही गया था उसी दिन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन नॉर्मली दिखा देता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखाता हूँ, ये मेरा डबल बॉन्ड ओ है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर अब मैं इसके पास इसके ऊपर OH का अटैक कराता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से पता है ये OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी, मतलब कि एक बार राइट साइड से आ सकता है, एक बार लेफ्ट साइड से आ सकता है। यहाँ पर हमने वही चीज की है, जब ये मेरा OH यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये OH एक बार यहाँ घुस सकता है, दूसरी बार ये OH दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है। अब मेरा O इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, जिनको ये लग रहा है सर ये ऊपर क्यों नहीं रहेगा, बेटा अगर तुम ऊपर रखोगे चाहे साइड में लेके जाओगे ना, कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर OH को जब यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, इस OH को यहाँ पर अटैक करवा दू, ठीक है, यहाँ पर अटैच कर दू, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा OH था ये मेरा यहाँ अटैच हो, ठीक है। ये मेरा कार्बन नंबर कौन सा है, टू से स्टार्ट है, ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा वन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये बता दो मुझे, ये मेरा स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, जब ये मेरा OH का है लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला मेरा किसका हो जाता है, क्या हो गया, ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, ठीक है, इसका नाम मेरा क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोस, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरनोस, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे, बेटा कुछ भी नहीं करना, ठीक है, स्ट्रक्चर मैं तुम्हें याद करने का सीधा शॉर्टकट बताता हूँ अभी। ये तो बस ये था कि हम कैसे ऑर्गेनिक कैसे यूज कर रहे हैं, हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इन द एंड तो तुम्हें इसको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारा बनाने का एक तरीका है बस, ठीक है। तो आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। इसका हावर्थ प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो, एक ओपन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक हावर्थ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो दोनों तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, हावर्थ याद हो जाए, ठीक है, तो वो ये तो याद ही रखना, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका भी बिल्कुल जैसे पिछली बार का किया था ना हमने, इसको लिटा के सारा वैसे ही करना है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, इतना तो सीख लिया, बनाते कैसे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, फाइव मेंबर की बनाओगे इसमें रिंग, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूरानोज इसलिए है ना, फ्यूरान की तरह इसकी रिंग होती है, इसलिए फ्यूरानोज है ये, ठीक है। फाइव मेंबर वाली रिंग जो होती है ऐसी, उसको फ्यूरानोज बोलते हैं, ठीक है, फ्यूरेन, तो वहां से ही आया मेरा, फ्यूरेन से, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा सही होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें मेरा थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है, अल्फा फॉर्म में पता क्या बनेगा, अल्फा फॉर्म में ध्यान रखना W बनेगा, ठीक है, उसमें बीटा फॉर्म में बन रहा था ना, ठीक है, यहां पे मेरा अल्फा फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो दिख रहा है तुम्हें W, ठीक है, W दिख रहा है, देख पा रहे हो, मतलब शॉर्टकट है बस कि ये देखो ये W बन रहा है, या इनडायरेक्टली, ठीक है, तुम बोल सकते हो ट्रांसपोजिशन पे सारे, ये ट्रांस, ये ट्रांस, फिर ये ट्रांस, फिर ये ट्रांस, ठीक है, मतलब एक दूसरे के सारे
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे चल रहे, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई? इसका नाम है मेरा अल्फा डी फ्रक्टोफायरनोस, फ्रक्टो फ्यूरनोस, बोलो, समझ गए? ठीक है, समझ गए? ठीक है, और बेटा बिल्कुल इसी से इंस्पायर है ये वाला, बिल्कुल इसी से ही बना हुआ है। टू पर ही मेरा कहां पर है, राइट पे, तो नीचे आ गया। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर ये सारे बना लो, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाए नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर बना लेना, क्योंकि वो सेम है, मैंने इसलिए नहीं बनाए थे, बिल्कुल इसी की तरह है। देखो, टू पे मेरा OH नीचे, ठीक है, थ्री वाला ऊपर, फोर वाला नीचे, फाइव वाला तो है ही नहीं, ठीक है, फाइव पर तो मेरा डायरेक्ट ये क्या है, CH2OH, वो ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, बीटा वाले में बस इनकी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, OH CH2OH, बाकी सब सेम। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोफायरेनोस फ्यूरेनोस, बोलो, समझ रहे हो, समझ गए, बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे, अगर मैं फ्रक्टोस लेता हूं, उसमें मैं टोलेंस रिएजेंट डालता हूं, ठीक है, तो मुझे बता दो क्या बनेगा, अगर मैं फ्रक्टोस ले रहा हूं और उसमें टोलेंस रिएजेंट डालता हूं तो क्या बनेगा, कोई बता सकते है? कोई बता सकता क्या बनेगा, फ्रक्टोज में क्या होता है ये बता दो, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ठीक है, अगर मैं टोलेंस रिएजेंट डाल रहा हूं, ठीक है, फैलिंग डाल रहा हूं, ठीक है, बेंडिक डाल रहा हूं, ठीक है, इन सब में, ठीक है, इन सब में मुझे नो रिएक्शन मिलना चाहिए, नो रिएक्शन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब इनको रिड्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर इनको एक्सपेक्टेड ही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यही होता था नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो रिड्यूस ना करे इनको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मेरी रिड्यूसिंग शुगर होती है, अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है, पूरा समझाता हूँ, ये मेरी कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, रीजन बताता हूँ, भी टेंशन ना लो। ठीक है, एक्सपेक्टेड मेरा ये था कि ये होगा, लेकिन निकला क्या, ये रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, मैंने तुम्हें लिखवाया भी था वहां पर, एक्सेप्ट जो मेरा फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो रिड्यूसिंग होता है, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें एक रीअरेंजमेंट सीखनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है, इन डायोल रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये क्या है, इन डायोल रीअरेंजमेंट, इसका एक और नाम होता है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा नाम है, लोबरी डी ब्राइन वैन एंकलस्टीन रीअरेंजमेंट, ठीक है, नाम से कितना भी भयानक लग रहा है ना, लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस इतना याद रखो, इन डायोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही नाम है, बड़े वाला तो बस तुम्हें पढ़ के पता चल जाना चाहिए, ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये एक्सप्लेन करेगा इसको कि ऐसा क्यों है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, जैसे ये मेरा क्या है, ये मुझे पहले बता देना है मैंने क्या बनाया है, देखते कितनों को इतना उल्टा पूछ के देखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं तुमसे एक बार उल्टा क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, ये मेरा क्या बनाया, मैंने जल्दी बता दो एक बार, ये मेरा क्या है, जल्दी बोलो, ग्लूकोस, कौन सा, डी ग्लूकोस बोल लो, ठीक है, एक बात बताओ, हमने क्या देखा, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी मैं बेसिक मीडियम होता है ना, बेसिक मीडियम, ठीक है, जब भी मैं बेसिक मीडियम लेता हूँ, ठीक है, ये ना, ये मैंने क्या बनाया ये बता देना, ये मेरा क्या बनाया, ये मेरा क्या है, फ्रक्टोस डी फ्रक्टोस, ठीक है, और ये मेरा बता देना क्या बनाया मैंने, ठीक है, ये वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन चलो मेडिकल वालों का पता चल जाएगा, नॉन मेडिकल वालों को तो मैंने बताना ही है,
वैसे मैंने बता भी दिया वैसे, ये क्या मेरा, ये कोई बता सकता है ये क्या मेरा, ये क्या मेरा डी मैनोस, ठीक है जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है इसका नाम होता है डी मैनोस, ठीक है ठीक है। तो अब ध्यान रखना, हाँ बेटा इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है सी टू एपिमर भी बोल सकते हो इसको, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, सी टू एपिमर ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो एक बात तुम यहां से ऑब्जर्व करना, ठीक है एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी, ये वाला पार्ट तीनों में सेम है, ठीक है ये वाला पार्ट में कोई फर्क ही नहीं है, नीचे वाला है पूरा, ठीक है ये वाला जो मेरा पूरा पार्ट है ये सबका सेम है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो होता क्या है, इन डायोड रिअरेंजमेंट क्या है, जब भी मेरा कोई बेसिक मीडियम होता है ना, बेसिक मीडियम उसमें मेरा क्या होता है, डी ग्लूकोस, डी फ्रक्टोस और डी मैनोज, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि इन डायोल रीअरेंजमेंट क्या बोलता है कि मेरा जब बेसिक मीडियम होता है तो ये मेरे सारे इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। अब तुम खुद मुझे बता दो, ये मेरा टोलिंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिंग सोल्यूशन जो होते हैं वो मेरे बेसिक मीडियम में होते हैं एसिडिक में होते हैं, इतना आइडिया दे बता दो मुझे, बेसिक में होते हैं बोलो हाँ या ना, वो तीनों मेरे सोल्यूशन बेसिक में होते हैं, ठीक है। अगर बेसिक में है तो तुम खुद सोच सकते हो, मेरा जो डी फ्रक्टोस होगा वो डी ग्लूकोस के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ऑब्वियस ही बात है बेसिक मीडियम में है तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, तो मेरा डी फ्रक्टोस डी ग्लूकोस और डी मैनोस में कन्वर्ट होता रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ना उनके साथ, तो अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये दोनों तो मेरे एल्डिहाइड वाले ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड है ये तो भाई मेरे शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है टोलेंस रिएजेंट वगैरह इन सबको रिड्यूस करेंगे, इसी वजह से मेरा क्या होता है, इसी वजह से मेरा जो फ्रक्टोस होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए, ठीक है इतना ध्यान रखो बस, बेसिक मीडियम में मेरा ग्लूकोस फ्रक्टोस और मैनोस तीनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, अगर मैं फ्रक्टोस लूंगा वो इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोस लूंगा वो भी इन तीनों दोनों में रहता है, मैनोस लूंगा वो भी, मतलब ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, अगर इंटर कन्वर्ट है मतलब मेरे सोल्यूशन में तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बेसिक मीडियम लेता हूं ठीक है तो मेरा कोई भी रिएक्शन होगी उसके अंदर ये तीनों होंगे, अगर ये तीनों होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्रक्टोस चाहे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होना चाहिए था लेकिन ये ग्लूकोस और मैनोस में रहता है, ठीक है मतलब उस फॉर्म में भी रहता है, तो उस वजह से वो उनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है इन सबको, टोलेंस रिएजेंट, बेंडिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, इसी वजह से रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है, बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ इन डायोल क्या होता है, ठीक है देखो ध्यान से सुनो, इसमें मेरा क्या होता है, ध्यान से सुनना ठीक है, कुछ भी नहीं है टाउटोमराइज ही करना है, ठीक है अब एक बार बताओ, ये मेरा ऐसे रहेगा ठीक है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ ठीक है, ये मेरा ऐसे, ये मेरा ऐसे, ठीक है ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाउटोमराइज करना चाहूँ, ठीक है टाउटोमराइज, तो मेरा क्या होगा, ये ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना, ये नीचे वाला सेम है मान लो, नीचे वाला तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो अगर मैं इसको टाउटोमराइज करा देता हूँ ठीक है तो ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है इसी को हम इंडायोल बोलते हैं, ठीक है यही तो मेरा इंडायोल है, मतलब कि चाहे मैं इसका इंडायोल बनाऊं, चाहे इसका बनाऊं, चाहे इसका बनाऊं, तीनों का सेम यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये चीज बन गई तो ऑब्वियस ही बात है ये वापिस टाउटोमराइज करके, ये वापिस टाउटोमराइज करके मेरा क्या दे सकता है मुझे, फ्रक्टोस, ठीक है टाउटोमराइज तो कराना है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है ये मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है ये टाउटोमराइज करेगा और ये मेरा फ्रक्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही मेरा टाउटोमराइज करके ये मेरा मैनोज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन तुम्हें इतना पता है रीजन क्या है टाउटोमराइजेशन, ठीक है बोलो समझ गए, बोलो ठीक है बेटा, ये बस एक्सप्लेनेशन दी कि टाउटोमराइजेशन की वजह से ये सब इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम बना सकते हो टाउटोमर तो बनाने आते होते हैं ना, ठीक है अगर मैं तुम्हें बोलूं इसको टाउटोमराइज कर दो, ठीक है अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलता हूँ, अगर तुम इसको टाउटोमराइज करने को कहता तुम क्या करोगे, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, यही तो करते हो, ये टाउटोमराइज किया तो वैसे ही ऐसे हुआ, ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ, इसको पहले ऐसे सोच लिया करो, अगर तुमने ऐसे सोच लिया तो तुम यहाँ पर इसको सोच सकते हो, ठीक है बाकी हमें इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुम्हारे CBSE में तो होता ही नहीं है ये सिलेबस में, बाकी तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें बता दी, ठीक है और सी और कॉम्पिटिशन में तो तुमसे वो थ्योरी तो पूछने नहीं वाला, ठीक है इन डायोल कैसा होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया और यही इसमें इंटर कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है बोलो हाँ या ना, समझ गए बड़े, ठीक है अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है मेरा तुमसे क्वेश्चन है, फ्रक्टोज डू नॉट गिव विच टेस्ट,
फ्रक्टोज डोंट गिव विच टेस्ट या विच रिएक्शन बोलो, टेस्ट बोलो एक ही बात है। पहला टोलिंस, दूसरा है फैलिंग, तीसरा है बेंडिक और चौथा है ब्रोमीन वाटर। तो आंसर क्या होगा? ये तो देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है ब्रोमीन वाटर को मैं HOBr भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। इनडायरेक्टली एसिडिक मीडियम वाला टेस्ट होता है और एसिडिक मीडियम में तो एक दूसरे में कन्वर्ट ही नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से ये टेस्ट नहीं देता। बोलो, समझ गए? ठीक है, मतलब ये तीनों रिएक्शन तो देगा, ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में होता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि HOBr बनता है इसमें, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक मीडियम में तो ये रीअरेंजमेंट होगी ही नहीं। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होगी तो फ्रक्टोस ग्लूकोस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो भाई ये तो कीटोन रह जाएगा और कीटोन तो ये टेस्ट देते ही नहीं। बोलो, समझ गए? बोलो बोलो, समझ गए? ठीक है, तो तुम लिख सकते हो एक ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। बोलो, समझ गए? ठीक है, एक अगर कईयों को रिएक्शन याद नहीं है, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक रिएक्शन मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा ग्लूकोस है, ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला, Ag2O, ठीक है, मतलब कि मैंने अमोनिकल AgNO3 ले लिया, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ ये रिएक्शन क्या होगी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, ठीक है, बाकी ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे, और साथ में ये AgO क्या कर देगा, रिड्यूस। ये मेरा सिल्वर मेरा टेस्ट देते हैं, ठीक है, ये तो मेरा टोलेंस रिएजेंट है, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो मैंने क्लिक के दिखा दिया, ठीक है। बाकी तुम्हारा होमवर्क है, तुम बेंडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन का भी ऐसे लिख के भेज देना मुझे, ठीक है। ठीक है, एक नोट बना के लिख लो, अभी हम अगली क्लास में वैसे उसको कंप्लीट कर ही लेंगे, एक चीज नोट बना के लिख लो, फ्रॉम डाइसैकेराइड्स, ठीक है, हमें जो डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो हमें डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, कौन कौन से, सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस, ये तीनों हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। मेरा ये मेरा ध्यान रखना नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है, और ये दोनों मेरे रिड्यूसिंग शुगर है, ये नोट बना के लिख लो अभी, ठीक है, ये दोनों मेरे रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए? बोलो, समझ गए? ठीक है, अगली हेडिंग डालो म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन बस खत्म कर देंगे और फिर एंड, ठीक है, म्यूटा रोटेशन। बेटा Ag2O, AgNO3, NH4OH, ठीक है, ये टोलेंस रिएजेंट का वो होता है ना बेटा, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, जल्दी जल्दी में, ठीक है, यहाँ पर CCA आएगा और यहाँ आ रही है। टाउटोमराइज में कंफ्यूजन है बेटा, एक बार टाउटोमराइज पढ़ना एक बार, ठीक है, आइसोमेरिज्म में पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है, बाकी कोई मैं तुम्हें जो तुम्हें शॉर्टकट बताया ना वो समझ जाना, ठीक है, पर्सनली बता दूंगा, चलो ठीक है, जिसको भी डाउट है मेरे को भेज देना, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, सिंपल सी चीज है वो, तो एच बस उड़ के चला जाता है, हाँ ये बोल सकते हो, ठीक है, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो, ठीक है, अब हेडिंग डालो म्यूटा रोटेशन, ठीक है, म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है, म्यूटेशन प्लस रोटेशन, ये दो वर्ड से बने, ठीक है, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, ठीक है, रोटेशन का मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब हम यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है, मतलब कि म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होगा, कुछ ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आएगा, वही मेरा म्यूटा रोटेशन हो गया। बोलो, समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो, हाँ या ना, वही होगा, बोलो, ठीक है, बोलो,
ठीक है, होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, होता क्या है, मान लो मैंने बीटा डी ग्लूकोज लिया, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, इन द एंड, यही वही दोबारा बोल रहा हूं, समझ के एंड में तुम्हें रिजल्ट ध्यान रखना है, मैकेनिज्म पर फोकस इतना नहीं देना, समझना है, ठीक है, समझ लोगे, मैं तुम्हें बता देता, मैं हर चीज समझा के करवाऊंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा कुछ, ठीक है। तो फटाफट एक बार बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना दो, क्या करना है, सारे इक्विटोरियल पे OH लगा दो और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, शॉर्टकट बता रहे कि मैंने बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो जब भी ध्यान देना, ठीक है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो तुम मुझे बता दो, ठीक है, एक तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, अगर मेरा OR है और एक OH है, ठीक है, ये मेरा मान लो ये है, ठीक है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे बता दो क्या बनेगा, अगर मैं हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस करता हूं तो क्या बनेगा, नॉर्मली बता दो, कीटोन बन जाएगा, ठीक है, वाटर ये लीव कर जाएगा, ये मेरा वापस क्या बन जाएगा, कार्बन रखो ना, ठीक है, तो ये मेरा वापस कार्बोनिल बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है, कार्बोनिल बन जाएगा, ठीक है, मतलब वाटर लीव कर जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी वही चीज करता हूँ, ठीक है, यहां पर अगर मैं यही चीज करता हूँ तो मेरा क्या होगा, ये मेरा यहां पर आएगा, ठीक है, और ये मेरा बोन यहाँ टूटेगा, बोलो, समझ रहे हो, तो मेरा ये वापिस क्या बन जाएगा, वापिस कीटोन बन जाएगा, तो ये मेरा कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, ये कुछ बनेगा, बोलो, हाँ या ना, हाँ बेटा, वो एच प्लस तो उसने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एच प्लस लगा दो, ठीक है, हमें बस समझना था, वो तो मैं तुम्हें बस हिंट दिया, ठीक है, ये बनेगा, बोलो, हाँ या ना, बोलो, ये मेरा वापिस से कीटोन बन जाएगा, बोलो, ठीक है। अगर अब ये OH वापिस से अटैक कर जाए, ध्यान से सुनना, अगर ये OH वापिस से अटैक कर जाए तो ये वापिस खुलेगा, तो इस पे दो ऑप्शन है, या तो वापिस यही बन जाएगा, बोलो, हाँ या ना, बोलो, यही बन सकता है वापिस, जल्दी बोलो, यही बन सकता है, या क्या हो सकता है, मेरा OH अब एक्सियल पे चला जाए, बोलो, हाँ या ना, इतनी बात समझ रहे हो, दो चीजें हो सकती है कि मेरा OH अब वापिस एक्सियल पे भी जा सकता है, ठीक है, तो यहां पर भी मेरा मान लो भी एक्सियल पे चला गया, इक्विटोरियल पे जाएगा तो वापिस यही बन जाएगा, ठीक है, तो अब इसको मैं एक्सियल पे भेज दूं, अगर एक्सियल पे मैंने इसको भेज दिया, मुझे बता दो ये मेरा क्या बन गया, मुझे बता दो ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, बोलो, समझ रहे हो, ठीक है, ये मेरा क्या था, बीटा डी ग्लूको पायरानोज, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की, ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं, ठीक है, एट लैम्डा, ठीक है, एट टेम्परेचर टी, ठीक है, वो मेरी वन मेरी क्या होती है, 19 डिग्री होती है, मैंने तुम्हें बताया था, इसकी देखता हूँ तो मेरी कितनी होती है, 112, ठीक है, अगर मैं इसकी अपनी देखूँ, इसकी अपनी देखूँ, ठीक है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे मुझे अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा मेरी रोटेशन की वैल्यू होती है, ठीक है, +52.6 मिलती है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इंटर कन्वर्ट होने पे एक स्टेबल वैल्यू मिल जाती है, वो मेरी क्या, बोलो, समझ रहे हो, बोलो, हाँ या ना, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफिकली अगर दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो, इसकी मेरी वैल्यू बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, एक की बढ़ रही है, ठीक है, मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू शो की है, ये मैंने टाइम का शो किया है, ठीक है, मान लो मैंने अल्फा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, हाँ, ठीक है, 52.6, मान लो मैंने अल्फा डी ग्लूकोज पहले लिया, ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज वो अपने कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज लूंगा वो अल्फा में भी कन्वर्ट होगा, मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, अगर मैं वो करता हूं तो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो, इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अल्फ बेटा, मैं यहां इस ग्राफ को यहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, यहां से, यहां से ये वाला, क्योंकि हमें +19 से दिखाना है ना, ठीक है, और जो मेरी 112 वाला है वो ये वाला है, ठीक है, यहां से कर लेना, जीरो से मत करना, ठीक है, ठीक कर लेना इसको, ये ऊपर से करना थोड़ा, क्योंकि हमें +19 से स्टार्ट करना है, ठीक है, अल्फा दिखा रहे ना, या कंसेंट्रेशन नहीं दिखा रहे, तो अल्फा +19, ये 112, धीरे धीरे ये कम हो रहा है,
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू मेरी कितनी मिलेगी मुझे, 52.6। बोलो समझ गए, प्लस में वो भी समझ गए। ठीक है, तो म्यूटर रोटेशन की डेफिनेशन लिख लेना, द चेंज इन, फिर खत्म करते हैं, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एट इक्विलिब्रियम, ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड टू इक्विलिब्रियम वैल्यू, टू इक्विलिब्रियम वैल्यू विद टाइम। ये मेरा क्या होता है, म्यूटा रोटेशन, इट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू इक्विलिब्रियम वैल्यू विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, म्यूटा रोटेशन। बोलो समझ गए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज को एक सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद पहले उसकी स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू 112 होती है, थोड़ी देर बाद वो 52.6 रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो धीरे धीरे बीटा में कन्वर्ट होने लग जाता है। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन लूंगा, थोड़ी देर बाद वो उसकी वैल्यू 19 से बढ़ के इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। बोलो समझ गए, बोलो। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि ये कितना है ये कितना है, तो वो निकाल सकते हो तुम। ठीक है, बस इसको खत्म कर देंगे। अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूं, ठीक है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। मान लो ए मेरा कितना है, ए मेरी मोल फ्रैक्शन है अल्फा फॉर्म की, बी है मेरी बीटा फॉर्म की। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मेरा 112 डिग्री ए है, ठीक है, और बी कितना है, 19 डिग्री कर रहा है, किसके इक्वल कर दो, 52.6 के। ठीक है, और तुम्हें पता है ए प्लस बी 1 के बराबर होता है, तो बी की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस ए। अब यहां पर इसको पुट कर दो, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.36, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.64। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पर मेरा जो बीटा फॉर्म होती है वो 64% होती है, और जो मेरी अल्फा फॉर्म होती है वो मेरी 36% होती है। अब कोई बता सकता है कि बीटा फॉर्म को ज्यादा क्यों है और अल्फा फॉर्म कम क्यों है? मैंने वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं थोड़ी देर पहले, कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? हमें इससे क्या पता चल रहा है, बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तुमने अच्छे से देखा था, ऑल जो OH ग्रुप है वो मेरे कहां पर, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, सारे इक्वेटोरियल पे, और तुम्हें पता है जब भी मेरा बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप जो होता है वो इक्वेटोरियल पे होता है तो वो मेरी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ऑल OH एंड CH2OH भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें होती है ना बेटा। तुम्हें निकालना नहीं सीखना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो मैंने तुम्हें बस बता दिया। ठीक है, निकालना नहीं सीखना। देखो, मान लो ए मेरी मोल फ्रैक्शन है अल्फा फॉर्म की, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 112। बी मान लो मेरी मोल फ्रैक्शन है बीटा फॉर्म की, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन है 19। टोटल मुझे इतना मिल रहा है, तो ए को मल्टीप्लाई करोगे इससे, बी को करोगे उसकी स्पेसिफिक रोटेशन से, और टोटल मेरा इतना होना चाहिए, तो वहां से और बी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए इसका ये कितना होता है और ये कितना परसेंट होता है। ठीक है, समझ गए, बोलो बेटा। जिसने ध्यान से सुनो, जिसने सब नोट कर लिया ना, वो मुझे अपने नोट्स भेज देगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिसने सब कुछ लिख लिया, ठीक है, वो मुझे पक्का नोट्स भेज दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिसने साफ साफ बनाए हैं और मुझे भेज दो भी, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसका थोड़ा बहुत रह गया वो कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करके सबके सब बच्चे मुझे नोट्स भेजेंगे।